वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, असं इस वक्त पहुँच चुके हैं हैदराबाद, जिथे दो दिन पहला घटना वापरी एक 14 साल की बच्ची नाल। सब तो पहले मैं इकबाल वीर जी को कहूँगा कि चलता हुआ ट्रैफिक जरूर दिखाया जाए, और दिखाया जाए इधरों ट्रैफिक दिखाओ जी, चलते रोड दे इतने खड़े होना, चलते रोड दे बिल्कुल। इकबाल वीर जी सामने वो कमरा दिखाओ जिस कमरे के उस बच्ची नाल गलत काम किया गया, उस तो बाद उस बच्ची इतों घड़ीस के लग गए ने, उस बच्ची इतों घड़ीस के ले जा के आ जाओ इकबाल जी। घड़ीसकन तो बाद दिखाना चाहवागे कि यह जी बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल तो उस बच्ची बेरहमी के नाल उत्तों सुट दिता गया। सुट तां दिता गया क्योंकि वह बच्ची अपना बारे बाहर आ के अपने परिवार को दस ना सके। बड़े अफसोस की गल है, फलाना नाम की नाम है, बड़े अफसोस की गल है कि इन्ना वधिया रोड चलता पाया, जनता की आवाजाही वो बावजूद ही इन्ने खुले खुले प्लाट के विच कोने से जोड़ा कमरा बनया वो घटना वापरी। साढ़े नाल इस वक्त बच्ची के पिता जी और इतने की संगत नाल खलोती है। बच्ची के पिता जी बचन सिंह जी नाल खलोते ने। इकबाल वीर जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी, की घटना वापरी, बच्ची किन्ने बजे घरों बाहर निकली, थोड़ा संगत में यदि सोझी पाओ। हिंदी गल चलेगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 10:30 बजे मेरी बच्ची निकली दूध लाने के लिए, तो फिर हमको एक आधा घंटा तक देखे नहीं दिखी 11:30 बजे तक। फिर हमने जाके मिसिंग केस पुलिस कंप्लेंट लिखा दी कि हमारी बच्ची नहीं दिख रही है। फिर इधर उधर सब ढूंढे हम, ढूंढने के बाद 3:30 बजे रात को हमें फ़ोन आया पुलिस का कि इधर आइए। आने के बाद देखे तो एक डेड बॉडी है, पुलिस ने बताया। वो डेड बॉडी देखे तो हमारी बच्ची की निकली। फिर हम जैसा यहाँ पर यहाँ से लेके चले गए गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पे फिर पंचनामा वो सब करके पोस्टमार्टम हुआ, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। फिर यहाँ पे आने के बाद में हमको भी पुलिस ने ज़्यादा सपोर्ट पहले नहीं किया था कि यहाँ पर जैसा डेड हुई, दूसरे दिन यहाँ पर कोई सीस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। फिर बाद में पुलिस को बोला कि क्या कर रहे हैं आप, बोले तो रिवर्स हो रहे। तब पूरे सिकलीगढ़ सारे सिख भाइयों ने सब ने मिल के धरना किया, बहुत बड़े भाइयों ने सब ने हमको सपोर्ट किया। तब जाके पुलिस ने फिर एक्शन दी हमें, वीर जी आए थे, वीर जी ने आके सबसे बातचीत की, पुलिस से बातचीत की और सभी पॉलिटिकल से बातचीत की। तब जाके पुलिस ने ये कहा कि हमें 2-3 दिन का समय दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है कि मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, वो जो भी दरिंदा है उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और बच्ची दूध लेने कितने निकली थी घर तो, कितनी की दूर दुकान है, कितनी की दूर दुकान है? अच्छा, तुसी उस दुकान तो पता किया, वहाँ की दुकान से आपने पता किया कि वह दुकान उस वक्त वहाँ पे बच्ची पहुँची कि नहीं पहुँची? नहीं पहुँची वीर जी, इतने तक लास्ट है, उतने तक पहुँची नहीं बच्ची। इतने पूछे तो ये बोल रहा है कि इसका सीसी कैमरा रात में बंद कर दिया है, इसके बारे में भी एक्शन लिया जाए। हमने कहा कोई नहीं, तो एक इंक्वायरी का विषय है, पुलिस अपने आप इन्हों को कैमरे भी खुलवाएगी, इन्हें दुकान भी खुलवाएगी। उस दिन तो दुकान बंद पई है? नहीं नहीं, दुकान खोल दी है। चलो पुलिस कार्रवाई करेगी, सीधे तुसी पुलिस दी कार्रवाई तो संतुष्ट हो? हाँ, अब कर रहे चल रही है कार्रवाई। उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा है कि मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, हम आपको कुछ ना कुछ बताएं, रिजल्ट बताएंगे। संगत जी, मैं दसना चाहवागा साढ़े नाल गगन वीर जी ने, जिन्हें तुहानू मैं ध्यान होएगा पिछे वीडियो पाई सी ते इन्हां दा जिक्र कीता सी, साढ़े नाल 15 तरीक तो टच ते ने, और इन्होंने सारी जानकारी इत्थे दी सानू दिंदे रहे। इत्थे दी जो कार्रवाई चल रही उहदे च इन्हां दा बड़ा योगदान है। गगन वीर जी, वाहेगुरू जी का खालसा। मैं संगत जी नूं योगदान नहीं, इह सब दी परिवार दी बच्ची है, इक सिख घर दी बच्ची नहीं, सारिआं दी बच्ची है। मैं जो परस कल आया सवेरे, इतने कुछ भी नहीं लगे पाया, आज जरा ट्रैक लगे पैने रिबन वगैरह, पहले कुछ नहीं लगे पे से। मैं ACP ने पूछा, कहता जी ये हमारे पास वो नहीं है, रस्सी नहीं है। तो फिर मैं बाल राजा नु मिले, मैंने राजा बब्बर मिले, कहता कि सब कुछ होगा। मैंने कहा 36 घंटे हो गए, 36 घंटे में एक बच्ची को आपको ये नहीं पता लगा? 5वीं मंजिल तो बच्ची ने अगर मैं उत्तू सुट्टा तो वीर जी कोई आवाज़ नहीं आएगी। चौकीदार ने पूछा, वो कहें मैंने तो पता नहीं लग्या, बेटे पूछा, मैं पखा लगा के अंदर 10 बंदे बैठे,
कल शाम नू जाके 6 बजे बिल्डिंग सील हुई तां जाके इत्थे थोड़ी संतुष्टि मिली है सारे परिवार को। मैं चाहता इस बच्ची नू जल्द तो जल्द इंसाफ मिले ते आने वाली पीढ़ी नू सोच समझ के ही गल। गगन वीर जी जिहड़ी तुसी फोटो दिखाई है सानू, उस फोटो के अंदर तो इस तरह जाहिर हो रहा कि उस बच्ची के सिर के उत्ते चोट है बहुत गहरी, लेकिन साढ़े को हजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई ना भी जी। जब तक ना पोस्टमार्टम, मैंने उन्हें पुलिस वाले बोलिया 2 दिन का टाइम चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देवगा ता ही अगे कुछ बयान दे सकाँगा मैं। उन्होंने हजे 174 लगा के तारा केस न रोक दिता, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती उन्होंने सानू अनुशासन दिता कि असं जल्द तो जल्द तुम्हें अगे देवे। संगत जी मैं दस देना चाहना और वीर जी को कहना नाल चलिए असं बिल्डिंग भी दिखाइए, दस देना चाहना कि जो 363 धारा लगाई गई सी उस वक्त बच्ची मिसिंग दे सी, मिसिंग दे करके अद्धी रात यानी कि 14 तरीक रात अद्धी रात को 10 बजे बच्ची लापता हुई है, 15 तरीक की अद्धी रात को 1:15 बजे करीब FIR लिखी गई है जिसे 363 धारा लगनी लाजमी सी। हुण जिस तरह ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद अगलिया धारावं जड़िया शामिल होनी है वो बारे दसया जाएगा। मैं बेनती करा कि थोड़ा जहाँ इधरों दिखा गए भाजी बिल्डिंग दिखा दो, बिल्डिंग पूरी दिखा दो जिस बिल्डिंग दे बच्ची गेरिया गया 4th मंजिल तो वह बिल्डिंग है, हम सील कर दी गई है, इधरों दिखा दो सो सारी बिल्डिंग सील कर दी गई है। सब सिख भाई अपनी अपनी तरफ से अपनी जो भी वो कार्रवाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कल यहाँ पर मेरे नाल इकबाल वीर जी भी ने, इकबाल वीर जी नाल असी गलबात करांगे इस मौके दे। इकबाल वीर जी वो बिल्कुल सामने भी कैमरे लगे हुए ने लेकिन पुलिस वाले अजे खोले नहीं गए। इस तरह है कि पिंका जी कैमरे जिहड़े लगे हुए ने कोने दे उत्ते कैमरे लगे हुए ने, वो कैमरिया के बारे यह कह जा रहा है कि भी यह कैमरे हाले खोले नहीं गए और किते ना किते इस कैमरे की जिहड़ी है फुटेज नू खुरबदूर करन दी भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वो शॉप हैगी SM ऑटोमोबाइल जिसे CCTV कैमरे लगे ने जिससे सारी जानकारी मिलेगी। सो संगत जी सानू जानकारी मिली है कि इत्थे जिहड़ा गुरद्वारा साहब है उस गुरद्वारे साहब के इत्थे दे CM दा अज जन्मदिन है और उस जन्मदिन की अरदास कराने वास्ते उहदी बिटिया इत्थे आ रही है, असी जाके उसनू भी हुणे घेरा पाने हाँ और उहदे नाल सवाल जवाब करांगे भी इस बच्ची नू इंसाफ कदों तक मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरद्वारा अमीर पेट के लागे खलोते हैं इन्हां मैडम दे आपका शुभ नाम कविता जी जो इत्थे चीफ मिनिस्टर की बेटी जी ने इन्हां दे पिता जी का बर्थडे इत्थे गुरुद्वारा कमेटी के भी लोग खलोते ने। मैडम हम बर्थडे की पहले आपको सबसे पहले बधाई देते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आप सब आए आशीर्वाद देने के लिए। हम आपसे जो हम लोग इकट्ठे हुए सिख समाज के लोग दिल्ली से, हमारा आने का कारण सिर्फ एक ये ही है कि यहाँ पे एक सिख समाज की लड़की का बहुत बुरी तरह मर्डर किया गया, उसके साथ पहले गलत काम किया गया, उसको 4th फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, इसके बारे में हम आपसे चाहते हैं कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताएंगे? वो हादसा के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ बराबर उसका जो भी है, हमारे स्टेट में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हम पर्सनली उस केस को देखेंगे और जो भी उसका हो सकता है करेंगे, हमारे मिनिस्टर साहब भी साथ में हैं बराबर उस लड़की के साथ उनके फैमिली के साथ हम जस्टिस करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। संगत जी बड़े अफसोस की गल है, मैंने कहना पै रहा कि हैदराबाद इत्थे दे जिहड़े CM दी बेटी है उन्हूं उस केस दे बारे जानकारी नहीं, मैनू बड़े अफसोस नाल इह गल कह रहा पर असीं दिल्लियों चल के आए हाँ, इत्थे दी सिख संगत नाल जिहड़ी जा रही है उन्हूं सब पता है लेकिन उस संगत ने हले तक CM नाल संपर्क क्यों नहीं किया, बड़ी अफसोस वाली गल है और तुसीं वेख रहे हो कि सानू रोक रहा जा रहा है लेकिन लोग उत्थे सारे वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं। सो संगत जी अगली अपडेट तुहानू दिंदे आ, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे साथ जो है मनिंदर सिंह, दिल्ली सिख वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आप मनिंदर सिंह जी हैं, और हरमीत सिंह पिंका प्रेसिडेंट सच खान सेवा सच
सचखंड सेवा है, आप प्रेसिडेंट साहब हैं, और हमारे इकबाल सिंह साहब हैं आप, और गगन सिंह साहब हैं, ये लोग पूरे दिल्ली से आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक संगीन वाकया हुआ था, एक सिख समुदाय की लड़की को उसका सस्पिशियस कंडीशन में मर्डर हुआ था, रेप एंड मर्डर बोल के हम लोग कई दिन से एहतजाज कर रहे हैं। तो ये लोग जो है दिल्ली से, इनको मालूम होने पर एक पूरी टीम आई हुई है, तो कल रात में आए थे ये लोग और आज सुबह में लड़की के मकान पर भी गए, फिर वहाँ पर KCR साहब की लड़की जो कविता MLC है उनसे भी मुलाकात हुई, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन भी गए, फिर आज मेरे कने भी आए यहाँ पर दफ्तर मजलिस बचाओ तहरीक पर आए हैं। तो अभी तफसीली गुफ्तगू हुई है कि कैसा उस लड़की के माँ बाप को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उस पर लड़की के वालिदैन और सिख समुदाय और हम भी मुतमईन नहीं हैं। हमारा मुतालबा है कि या तो इसका CBI इंक्वायरी करवाई जाए या सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवाई जाए। तो इस सिलसिले में मैं हमारे हरमीत सिंह पिंका जी से गुजारिश करूंगा कि वो पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं हैदराबाद में आप लोग आए और अपनी कम्युनिटी का इतना आप लोग ख्याल करते हुए दिल्ली से दौड़े दौड़े यहाँ पर आए आप लोग कि एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हैदराबाद में। और तो अब आप लोग जो आज दिन भर से फिर रहे हैं, इसमें क्या आप लोगों का फाइंड आउट हुआ, किससे मिले, ज़रा उसमें बारे में बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी अमजदुल्ला खान जी, जो आपकी वीडियो के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुँचे जी, और ये गगन भाई ने हमारे को वो वीडियो आपकी भेजी जी। इस इशू को उठाने वाला जो क्रेडिट है मैं कहता हूँ को आपको जाता है यहाँ के नुमाइंदे होने के कारण। आज सुबह ही हमारे गुरुद्वारे में आज वहाँ पे CM की बेटी मिली कविता राव, वहाँ के CM का आज जन्मदिन बताया जा रहा है, जन्मदिन है वहाँ का KCR का। सो बेटी से मैंने एक ही सवाल किया, जब वो प्रार्थना करने जा रही थी मैंने बाहर ही रोक लिया, रोकने के बाद मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा मैडम आप बर्थडे मनाने आए हो, पहले तो बर्थडे की हम बधाई देते हैं आपको, आप जहाँ पे बर्थडे मनाने आ रहे हो इसी एरिया में एक बच्ची का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया, उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया उसके बाद उसको चौथी मंजिल से फेंक दिया। मुझे बहुत ही दुख हुआ जब वो मैडम ने आगे से मेरे को जवाब दिया कि हमें आपके माध्यम से पता लग रहा है जी, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ऐसा काम यहाँ पे हुआ है। तो वो एक अचंभे वाली बात इसलिए लग रही है कि कोई ना कोई पॉलिटिशियन का दबाव है उस केस को दबाने के चक्कर में, जिसमें वो CM की बेटी भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है जी। तो मेरे को ये आप बता सकते हैं कि भी उस CM की बेटी को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी? नहीं, देखिए जिस वक्त वाकया पेश आया था तो सबसे पहले मैं गांधी हॉस्पिटल जब गया तो पूरा केस की स्टडी करने के बाद में शुरू दिन से ही पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि सुसाइड बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है वहाँ पर स्पॉट पे जाने के बाद में मैं इन्वेस्टिगेशन किया कि लड़की अगर चौथी माले से गिरी भी है तो वहाँ पर नीचे मट्टी है, वो लड़की मर नहीं सकती, तो पहले तो वो सुसाइड स्टोरी को हमको क्लोज कर देना चाहिए। और लड़की के जिस्म पे मुख्तलिफ मार है, सर पे मार है, जिस्म पे मार है, इससे यह है कि लड़की को या तो रेप करके मारा गया या अटेम्प्ट टू रेप में मारा गया, तो ये एक दूसरा पॉइंट है। अब पुलिस वाले मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहे हैं कि वो वैलेंटाइंस डे था, वो फलाना था, पुलिस का काम है स्टोरी सुनाना। जैसे ही मुझे ये इत्तला मिली मैं सबसे पहले हमारे जो तेलंगाना के होम मिनिस्टर है जनाब महमूद अली साहब को मैं फ़ोन किया, कई बार फ़ोन करने के बाद में वो फ़ोन नहीं उठाए, फिर उसके बाद में मैं उनके OSD से बात किया, सारी डिटेल्स उनको व्हाट्सअप किया, ये जो लड़की के वालिद का इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, पूरा दवाखाने से फ़ोटोज़, हर चीज़। वैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर साहब के जो बेटे हैं KT रामाराव, यहाँ पर मिनिस्टर फॉर IT है उन्होंने और MNUD है, उनको व्हाट्सअप किया, उनसे बात करने की कोशिश किया, उनके PA से मेरी बातचीत हुई, बोले कि हम साहब को सारी चीज़ बता दिए हैं, फिर उनकी लड़की को, क्योंकि ये लड़की का मसला था तो मेरा काम था कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को बोलना, मैं उनको भी बोला, कविता राव मैडम को भी बोला,
उनके पीए से भी बात हुई, उनके पीआरओ से भी बात हुई, उनके ख़ुद व्हाट्सअप पे आप अभी मैं आपको बताया, तो ये पूरा वाक़िया तीन दिन से जब शहर में चल रहा है और सीएम साहब की लड़की ये बोलना कि मुझे नहीं मालूम, ये एक सियासी जवाब है ये, तो ये मैं इसकी क्लियरिटी कर दिया हूँ। हर ऑफिसर को, हर सियासी लीडर को, कांग्रेस वालों को मैंने फ़ोन किया, रेवंत रेड्डी साहब को, मुकामी एमएलए हैं जो टीआरएस के उनको फ़ोन किया, वहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर को फ़ोन किया, यहाँ तक कि कुछ वहाँ पर मैं जब बैठा हुआ था तो बीजेपी के भी लोग आए थे मेरे से मिलने के लिए, कोई लोकल दवाखाने में, तो उनको भी बोला कि मैं आपके भी लीडरों को इतला करिए, यहाँ पर बिना कोई सियासी पार्टी के, बिना कोई मजहब व मिल्लत एक लड़की है, मैं अपनी लड़की सोचकर इसके बारे में केस को लड़ रहा हूँ। हर लीडर को, हर ऑफिसर को अपनी लड़की समझकर इस केस को हमको डील करना चाहिए। तो जो कविता राव आपको जवाब दिए हैं वो बिल्कुल ही एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर जो जवाब देता वो जवाब दिए हैं, अगर बहन और माँ की हैसियत से वो जवाब देते, इमीडिएटली आपको ये बोलते कि चलिए मैं उस लड़की के मकान पे चलने के लिए आपके साथ हूँ, मेरे वालिद की बर्थडे को अगर मैं सही मनाना चाह रहा हूँ तो कोई मजलूम के घर जाकर मैं अगर उनकी माँ से मिल लेते तो सही उनका वालिद का हैप्पी बर्थडे होता। ये बिल्कुल अमजदुल्ला खान जी आप सही कह रहे हैं कि असली जन्मदिन तो वही है अगर किसी के दुख में जाके हम शामिल हो जाए, तो अपने घर में केक काटना या खुशियाँ मनाना वो अलग चीज़ है, एक स्टेट में जहाँ पे एक जवान बच्चे की हत्या हो जाए और वहाँ का सीएम अपने जन्मदिन मनाने में मशरूफ़ है, उसके परिवार से मिलने का उनके पास समय नहीं है। मैं अपने पूरे भाइयों की तरफ से, दिल्ली की सिख संगत की तरफ से आपसे ये ज़रूर आस रखता हूँ कि आप यहाँ के नुमाइंदे हैं और इस बच्ची को आप इंसाफ दिलाने में पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। नहीं, आप देखिए कि साबेखा में भी जब भी कोई भी रेप केस होता है या ऐसा मर्डर होता है तो हम जो है उनके साथ ठहरते हैं, कई ऐसे केसेस होते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी वो केस को भूल जाते हैं लेकिन हम लड़ते रहते हैं, तो इंशाल्लाह इस लड़की के लिए भी मैं बारहा बोल रहा हूँ कि ये मेरी लड़की है तो हम आखिरी तक इसके लिए लड़ेंगे, इसमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, जो भी खातिल है उसको फांसी की सज़ा दिलाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर दिशा का एक केस हुआ तो उसके रेपिस्टों को लाके एनकाउंटर कर दिया गया, उसके मकान पे गवर्नर मैडम जाते हैं, उसके मकान पे चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं, उनके बेटे जाते हैं, मंत्रियां जाते हैं, संतरियां जाते हैं, लेकिन एक गरीब, एक लोहार, एक सरदार जी की लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसके घर पे कोई नहीं गए, एक मुझे अफसोस की बात है क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल खुशी हुई आप लोग यहाँ पर आए, मैं हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं महिंदर सिंह साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो आप अपनी राय रखिए। जनाब अहमदुल्ला साहब आपने हमें जो मीडिया के राही, जो सोशल मीडिया के राही आपने जो कवर किया था, जब आपने फेसबुक पे डाला, यूट्यूब पे, हमने देखा दिल्ली में तहलका मच गया, दिल्ली में चारों तरफ तहलका हो गया कि एक सिख बच्ची के साथ ऐसा दुष्ट कर्म हुआ और एक भाई साहब ने जो वीडियो वायरल किया वो आग की तरह फैल गया। ये एक इंडिया में नहीं फैला, ये इंडिया से बाहर भी फैल गया। उसी टाइम हमने पिंका जी और इकबाल जी जो प्रेसिडेंट हैं महावीर गुरुद्वारे के, इनसे डिस्कस करी तो वहाँ उन्होंने सवेरे ही फिर ये भाई साहब ने से गगन जी से भी कॉन्टैक्ट हुआ। गगन जी ने यहाँ पे कहते आप आइए, तो आपने भी इनवाइटेड किया, आप आइए इसको देखिए केस को, हम आए। हमने उसी टाइम फ्लाइट पकड़ के रात को 8:45 पे आके इधर आए, रात को अरेस्ट किया, सुबह हम मीटिंग पे गए, गुरुद्वारे गए तो उस सीएम की मिसिस से बेटी उससे जो क्वेश्चन आंसर किया पिंका जी ने, तो उसका जो जवाब दिया बहुत ही दुर्भाग्य तकलीफ देने वाला लाया। एक सिख कौम और एक हम मुस्लिम भाई हैं जो हमारे, ये इनको क्या डर था, क्योंकि एक बेटी का मर्डर हुआ है, इनको वो डर था, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की होती। इनका हत्या हमने जाना कि ये हर सिख बच्ची या कोई भी बच्ची का मर्डर या कोई बलात्कार हो, पुलिस कोऑपरेट ना करे, सरकार कोऑपरेट ना करे, ये उनको कोऑपरेट करते हैं, ये बहुत काबिलियत तारीफ है। और मैं तो इतना ही कहूँगा, सरकार से बेनती करूँगा कि इस मर्डर को खोलिए और जो पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है
इसको मर्डर केस को आत्महत्या में तब्दील करना चाहते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। बेशक। तो हम तो इनके आस पे आए थे, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया आप भी साथ चलिए और हम भी साथ आपके पूरे मदद करेंगे। हम इतना इनका धन्यवाद करते हैं। जय। आप कुछ बोलना चाहें? बहरहाल एक और एक शख्सियत है जो दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ में, जनाब इकबाल सिंह साहब। मैं उनसे भी, गुरुद्वारा के बड़े हैं वो, हमारे सरपरस्त हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी राय रखें। जो हम खान साहब के पास आए हैं यहाँ पर हैदराबाद में, इनके नाम पहले सुना था, मगर यहाँ पर आके इनके बारे में जो जानकारी मिली कि काफ़ी केसेस के बारे में ये जो है अपने इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अपने मैंने देखा इधर पीछे फाइलें लगी हुई हैं, हर जो टेबल के पीछे फाइलें लगी हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि भाई पुलिस की कौन सी फाइल है और कौन सी दूसरी फाइल है, तो वो सारी फाइलें इन्होंने रख रखी हैं। बड़े काम करने का बड़ा अच्छा जो है तरीका है। तो जैसे इनसे बात हुई, सारा कुछ बताया उन्होंने, कई केसेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हमें बहुत इनसे मिलकर खुशी हुई और हम इनके तहे दिल से आभारी हैं कि ये सारे केस को ये इन्होंने अपने, उन्होंने कहा कि मैं पूरा, अगर आप दिल्ली चले जाओगे तो हम यहाँ पर बैठे हैं और इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगा। हम उनका तहे दिल से आभार करते हैं। बहरहाल अब ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे तमाम से गुजारिश है कि तेलंगाना में जितने भी गुरुद्वारे हैं, मैं उनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि सारे मिलकर एक मीटिंग करिए और इस प्लेटफॉर्म पर आइए, कोई अच्छे बड़े वकला को आपके साथ में रखिए, हम भी साथ में हैं, और मेरे भाई मुजफ्फरउल्लाह खान एडवोकेट भी वकला है, अगर उनकी भी सर्विसेज है तो हम फ्री देने के लिए तैयार है। राय अमल क्या होंगी हम आज शाम तक या कल तक फिर पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर हमको भरोसा है, हम अभी इंतज़ार में हैं क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक या दो दिन के बाद में बड़े कोई राय अमल का हम ऐलान करेंगे। शुक्रिया।